ये चीज डुबा करके घर में रख देना, फिर देखना तुम्हारा पति, तुम्हारा जीवन साथी, जिसे तुम पति मानते हो, जिसे तुम पत्नी मानते हो, जिसे तुम अपना सर्वस्व मानते हो, वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी के बीच में कोई दिक्कत हो, या प्रेम में, लव में, रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है अगर, तो उसका सीधा सलूशन का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आप कह सकते हो तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 20 सालों से, 20 से 21 साल मान लीजिए, लगातार निरंतर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लाभान्वित हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। हां जी, और ये सब कंटिन्यू। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, और वो रिसर्च साधारणतया आपको बताया दिया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि इस चीज में ये चीज डुबा कर रख देना, मतलब देसी घी में 4 लौंग डुबा कर रख देने से आपके अपने पति में, आपके अपने पार्टनर में वो परिवर्तन दिखेगा जो आपने कभी नहीं देखा था। इससे होगा क्या? इससे शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध, शनि और मंगल, इनका जो त्रिगुणात्मक रूप है, इनका जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता है, जिसकी वजह से कुंडली में हमेशा द्वंद होता है, झगड़े होते हैं, विवाद होता है, लोग डाउट करते हैं, दूसरे के कहे में आ जाते हैं, यहां वहां के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने को छोड़कर दूसरे की तरफ जाते हैं, मन खराब कर बैठते हैं, झगड़े बहुत करते हैं, विवाद बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, बिना मतलब की चीजों की वजह से कलहप्रिय वातावरण बनाते रहते हैं, माहौल खराब करने की सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं, समझते ही नहीं, अंडरस्टैंड करते ही नहीं, प्यार से बोलते ही नहीं, किसी भी तरह से अच्छा व्यवहार करते ही नहीं, और हां, रख रखाव, केयर जानते ही नहीं, किसे कहते हैं, सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि उनको पाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, उन्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा समझ लीजिए कि आज का ये विश्लेषण, आज का ये तरीका, आज का ये ढंग कई पुराणों का सार है। आज हम आपको ये बता रहे हैं, कहते हैं ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, घृत देवताओं को भी दुर्लभ है। घी वो विशुद्धि का नाम है, वो शुद्धि का नाम है, वो तात्विक व्यवस्था का नाम है, जिससे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, दिया करते हैं, बत्ती करते हैं, आरती करते हैं। आरती हरहु तीनु जन जानी, आरती मतलब क्या, तो उसका जवाब दिया मैंने, आरती हरहु, आरती मतलब दुखों को हरो, दीनु जन जानी, मुझे दीन समझ के, मुझे दुखी समझ के, मुझे तकलीफ में समझ कर मेरी तकलीफों का हरण कर लो, इसलिए आरती कर रहे हैं। तो आरत करते हैं हम घी से, वो सारे विशुद्ध काम करते हैं जो देवताओं से संबंधित है। तो देवता और घी समकक्ष है, ऐसी मान्यता है। अच्छा, घी की इतनी मान्यता क्यों है? कहते हैं घी उस पौरुष का नाम है, घी जो घी वस्तु है ना, घी उस पौरुष का नाम है, उस फल का नाम है, उस प्राप्ति का नाम है जो बहुत सारे परिश्रम से प्राप्त होता है, बहुत सारे दूध से थोड़ा सा घी निकलता है।
दूध का अंतिम सबसे प्योरेस्ट वस्तु अगर कुछ है तो वो घी है। उसी से उसकी ताकत का अनुमान लगता है। आजकल तो लोग दूध भी घी नाप कर लेते हैं कि इसमें इतना मक्खन होगा, उस हिसाब से रेट मिलेगा। ऐसी मशीनें आ गई और ये तो पहले से ही कहा जाता रहा है। घी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, जिन्हें लगता है कि घी खाने से फैट बढ़ता है। एकदम गलत। घी फैट बर्नर है। आप देखिएगा कुछ सालों के बाद विदेशी लोग आपको यही चीज पलट कर देना शुरू कर देंगे। जब आप डालडा खाते थे, पहले आप सरसों का तेल खाते थे तो आपको डालडा दिया, जब आप डालडा खाने लगे तो आपको रिफाइंड दे दिया। अब रिफाइंड को तो उन्होंने क्या ही और हाई क्लास कर दिया है। अब तो वो क्या कहते हैं मालूम? अब वो कहते हैं कि हार्ट अटैक की दवाई है। क्या कहते हैं वो? हार्ट अटैक नहीं आएगा। मतलब वो खाया तो हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं। डॉक्टरों को तो लिख देना चाहिए कि हार्ट अटैक आ रहा हो तो भैया चार बूंदी ये वाला तेल जरूर खाना। हाँ, आने वाले टाइम पर देख लीजिएगा, फैट बर्नर के नाम पर देसी घी बिकेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं और ये 100% सत्य होगा। क्यों? चूंकि आयुर्वेद कहता है पहले से, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी लोन लेकर के भी अगर घी पीने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। जब ये थोड़ा सा व्यंग है, ये उपहास है या हास्य है, लेकिन फिर भी इसमें है तथ्य, सच्चे है इसमें। तो उसी घी की पवित्रता और लौंग की शक्ति को समाहित कर रहे हैं आज के उपाय में। हम आपको फिर से ताकत दे रहे हैं। चार लौंग घी में डुबा कर रख देने से आपका पति, परमेश्वर, पार्टनर, प्यार, रिलेशन, लव हमेशा आपके बारे में सोचेगा। उसके चिंतन में थोड़ी विशुद्धि आएगी, उसका क्रोध निर्मल होगा, वो शांत रहेगा, 17 प्रकार की चीजें अच्छी हो जाएगी, सकारात्मक होगा, बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी, सही चिंतन आएगा, बुरे मार्ग से बचेगा, सही मार्ग प्रशस्त होगा, आगे बढ़ेगा, बल ज्यादा होगा, ताकत ज्यादा होगी, वैभव ज्यादा होगा, संपन्नता ज्यादा होगी, बड़े और छोटे का सम्मान और प्यार समझ पाएगा। इस प्रकार के 17-18 प्रकार के बेनिफिट्स हैं जो आपको इमीडिएट मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप दोनों एक हो जाएंगे, आप दोनों परस्पर एक हो जाएंगे। वेद कहता है, घृतम घृत पावानः पिव दुरशाम वशा वशा पावानः। वेद कहता है कि इसमें वो रस तत्व है, इसमें वो मौलिक तत्व है, रूप रस गंध स्पर्श वायु, ये बढ़ते जाइए, सबसे लास्ट में आता है कि जिस घर में देसी घी केवल रख दिया जाए, उतने मात्र से उस घर का भोजन टेस्टी हो जाता है। करके देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में किसी मिट्टी के बर्तन में खूब सारा घी रख दीजिए और वही खाना बनाइए, देखिएगा आपका भोजन टेस्टी होने लग जाएगा, तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा अपने आप, मात्र इतना कर देने से। जो वस्तु जैसे जहां रखी है उसको वैसे वहां नहीं होना चाहिए था। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप सब निश्चित तौर पर समझिएगा कि कुछ अल्टबल्ट करने की आवश्यकता है। करके देखिए, इससे बहुत सारा चेंज होता है। आपका सोफा ऐसे पड़ा है और कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इस सोफे को टर्न करके देखिए, अपने आप तत्काल ठीक होने लगेगा। एक दूसरे से वस्तुएं एनर्जी का आदान प्रदान करती हैं, ऐसी मान्यता है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे की पर्याय होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे पत्थर में जीव नहीं है, लेकिन फिर भी हम पत्थर को सर्वश्रेष्ठ साली मानते हैं और उसमें भगवान मान लेते हैं। नॉन लिविंग में लिविंग की होने की संभावना को गॉड कहते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, पी और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला। जी ओ डी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय करने वाला। भगवान की अद्भुत शक्ति कहां है? भगवान की शक्ति एनर्जी है एक तरह की। उस एनर्जी को जैसे ही आप समझते हैं, घी जहां बहुत पवित्रता का नाम है, लौंग वही बहुत एनर्जी का नाम है। लौंग में जहां मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ की तगड़ी ताकत लेकर बैठी है लौंग, वही घी पवित्रता, श्रेष्ठता, बेहतरी और ईश्वरत्व लेकर के बैठा है।
जैसे ही इन चीजों का सम्मिश्रण होगा और वैसी ही विधा और वैसी ही परंपरा से, आपको पता है अगर आपकी आंख में कभी कुछ तकलीफ हो जाए तो आप अपने बाएं हाथ की गदेली में थोड़ा सा घी लेके अपनी छोटी वाली उंगली खूब रगड़िए तब तक जब तक गर्म नहीं हो जाए और आंख में लगा लीजिए। ऐसा 5 बार करने से तत्काल ठीक हो जाएगा। ऐसा रेगुलर करने वाले लोगों की आंखों की रोशनी बहुत बढ़ जाया करती है। जिन लोगों को बहुत फोड़े फुंसी होते हैं, जिन लोगों को खूब अपनी त्वचा ठीक नहीं रहती, वो लोग क्या करें, वो लोग चिरौंजी, समझते हो, चिरौंजी को खूब अच्छी तरीके से पीसना नहीं है, घिसना है पत्थर पर और उसमें घी मिलाकर के रात में खूब अच्छी तरीके से लेप लीजिए, ठीक हो जाएगा। उसी में हल्दी डाल लीजिए तो कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए तो आपके चेहरे की जितनी तकलीफें हैं सब एक साथ समाप्त हो जाएंगी। ये ताकत है उसकी। आपके होंठ फटते हो, आपकी त्वचा ठीक नहीं रहती हो, आप घी को एक बार स्पर्श करके तो देखिए, घी विशुद्ध होना चाहिए। बस आपको सर में बहुत दर्द रहता हो, आपको बहुत पीड़ा रहती हो, आप नाक में रात में एक एक बूंद घी डालकर सो जाइए, उसके बाद सुबह खुद बताइएगा चमत्कार। घी के हजारों लाखों करोड़ों उपाय हैं, पर भूल मत जाना बच्चों, आज मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारी पार्टनरशिप को, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ को, तुम्हारी शादीशुदा जीवन को तत्काल ठीक करने की विधा बता रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपको आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ उस हर एक चीज के लिए जो मेरी जिंदगी में आपने खुशियां वापस ला के दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए, मेरे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान वापस लौटाई आपने। आपने मेरे हस्बैंड जिंदगी से उस औरत को हमेशा के लिए बाहर निकाल के मेरे घर परिवार को फिर से खुशियों से भर दिया। मैं आपका जीवन की आखिरी सांस तक ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर हमेशा बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। सच मानो कि मेरा कहीं कोई इसमें हाथ नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम मानते हो, समझते हो, यही तो फल है। तुम पिता मानते हो, तुम्हारी मान्यता, तुम गुरु मानते हो, तुम्हारी मान्यता। महान तुम हो, बड़े तुम हो, इस जीवन से लेके आगे जीवन तक मुझे मानते हो, मेरा परामर्श तुम ले रहे हो, इसलिए हम दे पा रहे हैं। देने वाला कभी बहुत बड़ा नहीं होता, हमेशा लेने वाला बहुत बड़ा होता है। लेने वाला आपको इतना बड़ा बना देता है कि मैं आपकी चीज को ले रहा हूं। एक छोटा सा बीज जब पृथ्वी अपनी मिट्टी में लेती है तो उस बीज को बहुत बड़ा वृक्ष वो बनाती है, उसकी ताकत है। वो हमेशा से बहुत बड़ा होता है, गुरु बहुत छोटा होता है। शिष्य गुरु को श्रेष्ठ बनाता है अपने कर्मों से, अपने भाव से, अपनी तकनीक से, अपनी चाहत से, अपनी उत्कृष्टता से, अपने मूल्य को बढ़ा करके शिष्य हमेशा गुरु को श्रेष्ठ बना दिया करता है और मूल्यवान कर देता है। खैर, दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए उत्सव शिव महापुराण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिनांक 10 से 16 मार्च 2023 समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। कथा स्थल है बांके बिहारी मंदिर, शांति नगर, जीटी रोड, फतेहपुर। कथा संयोजक श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती रजनी गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार व श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार फतेहपुर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202639129292929।
सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज देसी घी में 4 लौंग डालकर रख देने मात्र से, डुबा के रखना है, छुपा के रखना है। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा कोई बर्तन लेना है, या आप मिट्टी का या किसी भी चीज का छोटा डब्बा भी ले सकते हो, स्टील इत्यादि का। बस तांबा, कस्कुट, पीतल, इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए और प्योर लोहा नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज का बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें घी जो आपको डालना है वो अपनी ही उंगली में केसर और हल्दी लगा करके, अगर आप लड़की हैं तो अपने बाएं उंगली में और लड़का है तो अपने दाहिनी उंगली में पहले ये सब चीजें लगा के रंग लीजिए, फिर उसी के ऊपर धार बना करके उस बर्तन में देसी घी को भर दीजिए। अब 2 लौंग राइट में, 2 लौंग लेफ्ट में पकड़िए, राइट को 7 बार क्लॉकवाइज, लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए। दाहिने हाथ से पुरुष और स्त्रियां अलग अलग करेंगी, स्त्रियों का अपना अंग बायां है, पुरुषों का अपना अंग दायां है, ध्यान समझिएगा। तो जो आपका अपना अपना अंग है उस अंग वाले हाथ की लौंग में आपको अपना सरनेम के साथ 3 पीढ़ियों को बाबा, पिता और आप एक साथ नाम लेकर फूंक मारनी है, और ऐसा ही पार्टनर का करना है। पार्टनर का अगर आपको नहीं पता तो आप भगवान शिव को भी, किसी का भी पिता और बाबा दोनों ही बना सकते हो, तो उसके साथ बोल सकते हो और बस फूंक मारो, उसके अंदर डुबा दो और ढक करके रख दो। ये काम आप सालों तक भी ढक कर रख सकते हो जब तक पूरी तरह से सब ठीक नहीं हो जाए। ठीक हो जाने के बाद किसी भी यज्ञ में, आहुति में, दिए में, बत्ती में, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस घी को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना, नॉर्थ ईस्ट में रखना, मंदिर के आसपास भी रखा जा सकता है, बहुत श्रेष्ठतम व्यवस्था होती है, इससे बहुत अधिक पावर और शक्ति मिलती है, कई सारे बेनिफिट अनायास मिलने लगते हैं, धन वैभव, संपन्नता और जाने क्या क्या। तो करके देखो, अनुभूत प्रयोग है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और खूब खुश रहना, जितना हो सके अपने आप को सुंदर बनाना, सुंदर इतना कि कोई सोते समय भी फोटो खींचे तो दीवार पर लगाने वाली होनी चाहिए। आप श्रेष्ठ बनोगे, बेहतर बनोगे, तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा, सब अच्छा हो जाएगा। यकीन मानो हमारी बात का, हमारे उपाय 100% काम कर रहे हैं, तभी तो तुम सब सफल हो रहे हो। आज तुम्हारी बारी है, तुम यहां तक अपने आप थोड़ी पहुंचे हो, अनायास नहीं पहुंचे, इसके पीछे कोई प्रकृति की बड़ी नियति है, बड़ी सोच है, उसको कायम होने दीजिए। बस आप अपना ख्याल रखिए, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी नहीं होना है, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना और सिर्फ खुद का ख्याल रखना। तुम सिर्फ अपना ही ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए उत्सव शिव महापुराण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिनांक 10 से 16 मार्च 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। कथा स्थल है बांके बिहारी मंदिर, शांति नगर, जीटी रोड, फतेहपुर। कथा संयोजक श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती रजनी गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार व श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार फतेहपुर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6392929 2929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवाधाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ
सत्मार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। Thank you.